बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वो कब वन वन होती है और कब ऑन टू होती है, और वी डेवलप्ड अ लिंक ऑफ दैट विद द मैट्रिसेस के अगर उसकी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी तो हमारे पास उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उस मैट्रिक्स जिस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगी। फ्रॉम द फंक्शंस थ्योरी वी नो दैट कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास जो कि वन वन भी है और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशंस में लेके आए और हम कंसिडर करें कि टी ए जो है ये हमारे पास वन टू वन लीनियर ऑपरेटर है, तो इफ यू गो बैक एंड लुक एट दैट, तो अगर टी ए वन टू वन लीनियर ऑपरेटर है तो वो ऑन टू भी है और उसकी मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। ये पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। तो इट मींस दैट अगर वो वन टू वन लीनियर ऑपरेटर है तो वो ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है, और फिर उसकी मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारे पास, इन्वर्टिबल है। तो इट मींस दैट ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर हर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो हर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। तो अब इस ए इनवर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप करते हैं। वी से दैट टी ए इनवर्स इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सेकंड आर एन, यहां वाले सेकंड आर एन से फर्स्ट आर एन में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसे हम इनवर्स ऑफ टी ए कहेंगे। क्यों इनवर्स ऑफ टी ए कहेंगे? अगर आपको याद हो तो हमारे पास एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाता है फंक्शंस में? एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज अगेन इक्वल्स टू एक्स आता है। मींस एफ इनवर्स और एफ जो है दे work as an identity, they cancel the effect of one another. अब यहां पे हम वही चीज चेक करते हैं कि TA inverse को x पे apply करते हैं या TA inverse TA को x पे apply करें, किसी भी order से apply करें। तो TA inverse x, टी ए की मैट्रिक्स, टी ए इनवर्स की मैट्रिक्स ए इनवर्स है, और टी ए की मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, एंड वी विल ओनली गेट द एक्स वेक्टर बैक, एंड सिमिलरली इन द फॉलोइंग वन। अब टी ए इनवर्स एक्स इज एक्चुअली TAO TA इनवर्स, और कंपोजिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि अगर TAO TB हो तो इट इज इक्वल्स टू TAB, यानी दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे इट विल बी TAA इनवर्स, एंड AA इनवर्स इज आइडेंटिटी, और अगर दूसरी तरफ से भी हम करें तो यही आती है।
तो अब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो के वेक्टर को उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के ऊपर मैप कर दे, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना लेके आए, ठीक है। तो अब ग्राफिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टी जो है, टी ए जो है वो एक्स को डब्ल्यू के ऊपर मैप कर रहा है, और टी ए इनवर्स जो है वो डब्ल्यू को दोबारा किसके ऊपर मैप कर देता है, एक्स के ऊपर मैप कर देता है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर के आर टू से आर टू में हमें एक ऑपरेटर गिवन है और उसकी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड होगा। आई वॉन्ट बी गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, यू कैन लुक देम अप योर सेल्फ। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर ऑफ बिजनेस है, दैट इज लिनियरिटी प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कब लीनियर होगी, जब उसकी जो इक्वेशंस हमें गिवन हैं वो सारी की सारी क्या हो, लीनियर इक्वेशंस हो। जब हम स्टार्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये डेफिनेशन की थी कि हमारे पास इसी सूरत में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जब उसकी W1 वन इज इक्वल्स टू सम इक्वेशन, W2 टू इज इक्वल्स टू सम इक्वेशन, सो ऑन अप टू WM इज इक्वल्स टू सम इक्वेशन। तो वो सारी की सारी इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। अब हम उसका एक नई डेफिनेशन जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो नई डेफिनेशन जो है वो हम इस थ्योरम के थ्रू इसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे इसने यही बातें सारी लिखी हुई हैं कि इन द प्रीसीडिंग सेक्शन वी डिफाइंड अ ट्रांसफॉर्मेशन टू बी लीनियर इफ द इक्वेशंस रिलेटिंग एक्स एंड डब्ल्यू आर लीनियर इक्वेशंस। तो अब द फॉलोइंग थ्योरम प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीनियरिटी। दिस थ्योरम, कीप दिस इन माइंड, दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, कि दिस थ्योरम इज फंडामेंटल एंड विल बी द बेसिस फॉर एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर जनरल सेटिंग्स लेटर इन दिस टेक्स्ट। इन अदर वर्ड्स, अब हम अपनी इक्वेशन वाली डेफिनेशन से एक और डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं लिनियरिटी के लिए, और ये जो न्यू डेफिनेशन है दिस विल बी द मोर वाइडली यूज्ड डेफिनेशन फॉर लिनियरिटी। ओके, सो नाउ व्हाट इज दैट डेफिनेशन एंड हाउ डू वी नो दैट दैट डेफिनेशन इज एक्चुअली वर्किंग। तो लेट्स से ये थ्योरम हम अब कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम आर एन टू आर एम। ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड फॉर ऑल वेक्टर्स यू एंड वी इन आर एन एंड फॉर एवरी स्केलर सी। सी इज जस्ट अ नंबर एंड यू एंड वी आर वेक्टर्स इन आर एन। तो ये कहता है जी कि अगर टी ऑफ यू प्लस वी को हम टी यू प्लस टी वी लिख सकें, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हम करें यू प्लस वी वेक्टर की, या यू वेक्टर को इलादा से ट्रांसफॉर्म करके और वी वेक्टर को इलादा से ट्रांसफॉर्म करके ऐड करें, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। पहले हमारे पास कह रहा है जी कि u वेक्टर और v वेक्टर को हमने हेड टू टेल रूल से ऐड किया और क्या फाइंड कर लिया,
यू प्लस वी, और फिर इसको हमने अंडर टी ट्रांसफॉर्म किया, यहां पे किसी वेक्टर वाई में हमें आंसर मिल गया। ठीक है, सेकेंडली ये कह रहा है कि आपने u वेक्टर को इलादा से ट्रांसफॉर्म किया अंडर t, लेट से वो मैप हो गया किसी वेक्टर x पे, v वेक्टर को आपने इलादा से ट्रांसफॉर्म किया अंडर t, लेट से वो ट्रांसफॉर्म हो गया w पे, तो ये इक्वेशन हमें कहती है कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v, क्या था हमारे पास आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v, वी गॉट y इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर ऑफ u, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर ऑफ u इज x प्लस ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर ऑफ v, that is plus w। मैं काफी टाइम जो है वो लगा रहा हूं इस चीज को एक्सप्लेन करने में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम वेक्टर्स को ऐड करके ट्रांसफॉर्म करें या ट्रांसफॉर्म हुए वेक्टर्स को ऐड करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लिनियरिटी। सेकंड कंडीशन कि किसी वेक्टर को सी से मल्टीप्लाई करके हम ट्रांसफॉर्म करें या वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके सी से मल्टीप्लाई करें, दे विल बी इक्वल। यू वेक्टर है, इसको हमने c से मल्टीप्लाई किया, लेट से वेक्टर हमारा सी यू जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब इस वेक्टर को मैं ट्रांसफॉर्म करूं या इस u पर पहले t लगा के इसको किसी वेक्टर x में चेंज करूं और फिर उसे c से मल्टीप्लाई करूं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। These two conditions we have to prove. Let me raise all these things and then we will move on to ke hum ye proof jo hai wo kaise develop karenge. Now we will try to move on to the proof. Before doing the proof, keep in mind ke hamare paas ye condition humne kya prove karni hai, if and only if. And both of the classes I'm teaching this lecture to, आपको पता है कि if and only if किसके equal होता है, p if and only if q, अगर हमारे पास p implies q भी hold करे और q implies p भी hold करे। In other words, मैंने ये चीजें सपोज करके शो करना है कि इट इज लीनियर, और फिर लीनियर सपोज करके शो करना है कि दीज थिंग्स होल्ड। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ में आई हैव टू डू बोथ द थिंग्स। सो वी स्टार्ट द प्रूफ इन द डायरेक्ट वे कि हम पहले सपोज करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर है। एज्यूम दैट T is a linear transformation. अब क्योंकि हमारे पास transformation है from Rn to Rm, तो उसकी कोई एक standard matrix होगी, वो हमारे पास T आ गई। अब अगर मैं इस transformation को U plus V पे use करूं, now I want to prove these two. मैंने ये दो चीजें prove करनी है। So I am taking the left hand side of this equation and want to see ke wo right hand side ke equal aa rahi hai ya nahi aa rahi. So the left hand side is t of u plus v.
बिकॉज दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड हैज अ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए, तो आई कैन परफॉर्म द सेम ट्रांसफॉर्मेशन टी बाय मल्टीप्लाइंग ए विद द वेक्टर यू प्लस वी. ये कॉन्सेप्ट हमने पहले स्टडी किया हुआ है. एंड बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वी कैन राइट इट एज ए यू प्लस ए वी. बट ए यू इज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाइड टू द वेक्टर यू, एंड ए वी इज द ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाइड टू द वेक्टर वी. सो वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट. Similarly, the second part, you can see that ke TCU, hum left side consider kar rahe hain iski, and we want to see ke whether right side humare paas aati hai ya nahi aati. To ab TCU is equals to transformation is the same as multiplying by the matrix A. And because C is a scalar, so we can write it as CAU, and AU is just the transformation T applied to the vector U. So in dono cases mein, we saw that ke agar hum linear operator consider karein usko, to matrices ke through we can prove that के बोथ दोज इक्वेशंस जो के हमें वहां पे गिवन हैं वो होल्ड करती हैं. अब हमने इसका रिवर्स जो है वो प्रूव करना है कि अगर हम सपोज करें कि ये जो दो हमें इक्वेशंस गिवन हैं ये होल्ड करती हों, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. तो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव राइट नाउ. फॉर द सेकंड पार्ट वी सपोज दैट के प्रॉपर्टीज ए एंड बी होल्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन टी. वी कैन प्रूव दैट टी इज लीनियर बाय फाइंडिंग अ मैट्रिक्स ए विद द प्रॉपर्टी दैट Tx is equals to Ax. अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन T के करिस्पोंडिंग कोई मैट्रिक्स A फाइंड कर सकें, तो इट मींस दैट ये T जो है वो क्या होगी, लीनियर होगी. सो नाउ दैट इज आवर वर्क कि T के करिस्पोंडिंग हमने कोई मैट्रिक्स A ढूंढ के लानी है. तो इस चीज को प्रूव करने से पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ए कंसिडर की है, क्या हम इसको दो से ज्यादा एलिमेंट्स पे यूज कर सकते हैं? क्या यहाँ पे जो गिवन है कि टी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो है वो टी यू प्लस टी वी प्लस टी डब्ल्यू के इक्वल है? तो यू कैन सी ओवर हियर कि हम इसको टी यू प्लस टी वी प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. और फिर यहां से हमारे पास ये आ गया, और हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास के वेक्टर्स हों तो दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली होल्ड्स फॉर के वेक्टर्स. अब ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम एक राउंड अबाउट वे जो है वो यूज कर सकते हैं. अगर आपको याद हो तो R3 के हमारे पास कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जो के बेसिस कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर्स. R3 में क्या थे, I, J और K थे. अगर आपको याद हो तो I was given to be 1 0 0, J was 0
10 and k was 001. K was 001. And these we said that are the basis vectors for R3. You can go online and look at this concept again कि ये basis vectors का जो है वो concept क्या है. तो अब Rn की basis जो हैं वो क्या हो जाएंगी हमारे पास 1000 then 01000 until the last one जिसमें last में 1 होगा और उससे पहले सारे क्या होंगे zeros होंगे. तो हमने इन वेक्टर्स को अपनी तरफ से नेमिंग कर दी है e1 e2 अप टू en जो है. और हम a जो है वो ऐसी मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e2 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ en से मिल रही है. यानी a का पहला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फर्स्ट वेक्टर e1 है, दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वेक्टर e2 है और उसका लास्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वेक्टर en है. अब अगर कोई भी वेक्टर हम Rn में से कंसीडर करें तो दैट वेक्टर x विल बी ऑफ दिस फॉर्म. x हमारे पास इस फॉर्म में होगा. तो अब अगर हम ax फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा हमारे पास. लेट्स से हम x a फाइंड करते हैं आप लोगों के लिए जरा इजी इसको बनाते हैं. तो फर्स्ट रो ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ a. x a की मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होगी. तो फर्स्ट रो ऑफ x इज x1 एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ a इज te1 एंड सिमिलरली x2 te2 एंड xn ten. अब ये जो x1 x2 xn हैं दे आर जस्ट नंबर्स. और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सी नंबर टी यू से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसे टी सी यू लिख सकते हैं. अब यहाँ पे भी एक नंबर सी जो है वो टी यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे टी सी यू लिख सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर t समथिंग फिर प्लस t समथिंग फिर प्लस t समथिंग है. और हमने यहाँ पे किया था कि अगर t समथिंग प्लस t समथिंग अप टू t समथिंग हो तो उसे हम t सम ऑफ ऑल की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट इट एज t सम ऑफ all x1 e1 plus so on up to xn en. अब ये जो हमारा x1 है ये जब e1 से मल्टीप्लाई होगा तो this is a concept needed to be defined a little more आप लोगों के लिए. तो in simple words ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है दिस इज द टर्म एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के. अगर आपको याद हो थ्री डायमेंशंस में आप किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते थे या नहीं लिखते थे. इसमें x, y और z जो हैं ये क्या थे कोई भी नंबर्स होते थे
2i plus 3j plus 4k, और i, j और k क्या होते थे, हमारे यूनिट फैक्टर्स होते थे। यहां पे भी x1 is a number and e1 is a unit vector, x2 is a number and e2 is a unit vector, plus so on up to xn, en। तो ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंदर मिलके x वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन t जो हमने कंसिडर की थी उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स A ढूंढ ली, सच दैट कि हम t को अप्लाई करें x के ऊपर या A को मल्टीप्लाई करें x से, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। हेंस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिवर्स में वी प्रूव्ड दैट अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो तो हमारे पास t के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स A एग्जिस्ट करेगी, और मैट्रिक्स A एग्जिस्ट करना टेल्स अस कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर है हमारी। तो दिस इज हाउ वी डू थिंग्स फॉर दिस प्रूफ। दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।